विधायक की गरिमा की बात तो ये है, अगर विधायक खुद अपनी गरिमा में नहीं रहेगा तो सरकारी कार्य में बाधा गिर रहेगा, परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। उससे पहली बात तो यह है, वो नशे में रहता है, उसे ये नहीं पता तो विधायक उसे गरिमा क्या होता है। आज हम खा पड़ने के चक्कर में उल्टी सीधी बयान करता रहा सुर्खियों में रहने के लिए, क्योंकि अब क्षेत्र में विधायक बनने के बाद में कोई ना सामाजिक कार्य करा पाया, ना कोई पैसा करा, ना जनता के लिए भी समस्या सुन पाया। महीने में एक दिन आवेगा, उल्टे सीधे बयान देगा सुर्खियों में रहने के लिए, और नशे में जो कुछ कह दिया उसे पता ही नहीं उसे क्या होगा क्या। अगर कोई विधायक नहीं, कोई विधायक मंत्री भी होगा या कोई भी बड़ा नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई भी बड़ा आदमी नहीं है, गरिमा के साथ में खिलवाड़ कर सकते, पद के साथ में वो सरकारी अधिकारियों की गेल बदतमीजी करेगा तो कानूनी कार्रवाई तो होगी। अगर जो करप्ट की बात की जाए तो इस तरीके की चीजें पहले भी देखने को मिली, जो बदतमीजी की या फिर एक तरीके से समाज में दूर वही है ना, नशे में आदमी क्या कर रहा है उसे पता नहीं रहता ना, बाद में फिर माफी मांग के फिरेंगे या जो काम होंगे पहले से है। पहले भी ने एक लेखपाल के साथ बदतमीजी करी थी, सपा सरकार में रहते उस टाइम इसकी दादागिरी चल रही थी, लेकिन अब ये बीजेपी की सरकार है इसमें कोई दादागिरी किसी की चल रही थी। पहले लेखपाल के साथ बदतमीजी करी थी, उसमें माफीनामा वगैरह हुआ था। अच्छा, जैसे ट्रैफिक की बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जा सकता है कि कोई आदमी गाड़ी की कागज नहीं तो क्या इनकी गाड़ी मौके पर सीज करने का अधिकार अधिकारियों को मिलता? हाँ, अधिकारियों में अधिकार होता है, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए या उसके लिए कोई गलत ना हो जाए, उसे टाइम मांगा तो टाइम इतना आपको आधिकारिक टाइम दे ही सकें, कोई ऐसा आदमी जो थाने को भाई बाहर का है भाग देगा, उसने टाइम मांगा टाइम दे दिया, इसमें अधिकारियों की तो समझदारी की बात है, इसमें अधिकारियों ने कोई गलत काम नहीं करा। और साल भर के करीब एक एस डी एम साहब ने कहराने में आए हुए, जो काम 70 सालों में नहीं हो पाए थे वो एस डी एम साहब के द्वारा करे गए। एस डी एम साहब बहुत ही ईमानदारी के साथ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक ठेली वालों की प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है नायर साहब ने, उन्हें उकसारा है उन्हें कहूँ, लेकिन क्या एक रोजगार के लिए एक सड़क बंदित करी जाएगी? सड़क पर हर टाइम जाम रहता, बाजार में जाम रहता, वो लोग जो किराया दे रहे, जो 2-2 करोड़ की दुकान ले रहे, उनकी दुकानों का अगर कोई ठेली लगा होगा तो क्या अच्छा है? एसडीएम साहब ने 70 साल का कब्जा अवैध कब्जे तोड़वा के ठेलियों वाले के लिए पार्किंग स्थल बनाया, वहाँ से उनके जगह दे रहे, लेकिन ये नाई दशन उन्हें उकसा के अपने आगे कर फायदा लेने के लिए, चुनाव के लिए फायदा मिले, गरीब जनता ने परेशान पकाया कर उन्हें राजनीति कर दी।